जय श्री राम, जय हनुमान। आज आपको मंगलवार उद्यापन के बारे में इस छोटे से वीडियो के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। सो सभी ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। वह यूट्यूब चैनल SMS लोहा को सभी सब्सक्राइबर लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान। तो आइए जानते हैं मंगलवार के उद्यापन के बारे में। बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज का मंगलवार के व्रत के लिए, उद्यापन के लिए हलवा व चूरमा ही श्रेष्ठ प्रसाद है। सो पहले हलवा बना लीजिए या चूरमा बना लीजिए। उसके बाद व्रत के उद्यापन के लिए कम से कम 5 कन्या, एक्स्ट्रा में ज़्यादा कितनी दे सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, लेकिन कम से कम है 5 कन्याओं को जीवने के लिए न्योता दीजिए और 5 कन्याओं को घर पे जीवने के लिए बुलाइए। उसके बाद हनुमान जी महाराज बालाजी महाराज के मंदिर जाइए। मंदिर में मूर्ति ऐसी हो जिस पे सिंदूर चढ़ाया जाए, क्योंकि हनुमान जी महाराज के, बालाजी महाराज के इस उद्यापन के लिए सिंदूर चढ़ाया जाता है। साथ में ध्वजा ले लीजिए, बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज के लिए लंगोट, दुपट्टा, जनेऊ, दीपक, अगरबत्ती, ये सभी ले लीजिए। साथ में जो आपने हलवा या चूरमे का प्रसाद बनाया है, वो प्रसाद भी बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज के भोग लगाने के लिए साथ में ले लीजिए। और फिर चलते हैं हनुमान जी महाराज के मंदिर, जहाँ हनुमान जी महाराज को सिंदूर लगाना, जनेऊ चढ़ाना, दुपट्टा, लंगोट, सभी हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज के वस्त्र भी साथ में ले लीजिए। वो सभी बालाजी महाराज को अर्पण करेंगे। तो चलिए चलते हैं हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज के मंदिर। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। तो आइए चलते हैं हनुमान जी महाराज के मंदिर। हमारे तो यहाँ पास में ही हनुमान जी महाराज का मंदिर है, जिस मंदिर में सिंदूर चढ़ाने वाली मूर्ति है। मंदिर में सिंदूर चढ़ाने के लिए बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज का मंदिर ऐसा हो जिस मूर्ति पे सिंदूर चढ़ाया जाए। तो चलिए आगे चलते हैं मंदिर में। जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय। और यह है हनुमान जी महाराज का मंदिर लोहा। हनुमान जी महाराज का मंदिर, तो आइए चलते हैं मंदिर में, बाबा के दरबार में। हनुमान जी महाराज के मंदिर पहुंचने के बाद हनुमान जी महाराज को शुद्ध जल से नहाएं। उसके बाद हनुमान जी महाराज की मूर्ति के सिंदूर लगाएं, जनेऊ चढ़ाएं, दुपट्टा उठाएं व बाबा के मंदिर पे ध्वजा लगा दें। बाबा के दरबार में अगरबत्ती करें, दीपक करें, और जो आप प्रसाद लाए थे वो प्रसाद बाबा को चढ़ाएं। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक बार तो ज़रूर करें ही करें, ज़्यादा आपकी इच्छा है 7 बार करें तो और बढ़िया है, तो एक बार तो ज़रूर करें। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। इस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैंने थोड़ा सा ही बताया है, क्योंकि पूरा हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक पंक्ति बोल दी है। आप पूरा हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ूंगा अभी, लेकिन वीडियो में बोलने से वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी महाराज का मंदिर लोहा। जय हनुमान, जय हो बाबा बजरंगबली की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय हो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज के धूप दिया अगरबत्ती आरती सिंदूर सब कार्य करके उसके बाद वापस चलिए घर पे और कन्याओं को भोजन कराइए। तो चलिए वापस चलते हैं घर पे, घर चल के कन्याओं को भोजन कराते हैं। जय हनुमान। इस प्रकार कन्याओं को भोजन करवाइए, कम से कम 5 कन्याएं तो ज़रूरी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा आप चाहे जितनी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कन्याओं को भोजन कराइए आराम से, प्रेम से कन्याओं को भोजन करने के बाद दक्षिणा जरूर देवे। कन्याओं को आराम से भोजन कराइए पहले, उसके बाद दक्षिणा। कन्याओं के लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ तैयार है। हलवा, चना, पूड़ी, सब्जी सब कन्याओं के लिए तैयार हैं। कन्याएं जीम रही है। इस प्रकार कन्याओं को भोजन कराइए। ये छोटी छोटी कन्याएं भोजन कर रही है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर देवे, तिलक करे उसके बाद दक्षिणा देवे। भोजन करने के बाद तिलक करके वह दक्षिणा देवे। इस प्रकार मंगलवार के व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो ये उद्यापन साल में मतलब 12 महीने में एक बार तो जरूर करना ही चाहिए। 5 कन्याओं को जुमा के ही कर दो चाहे, लेकिन साल में मतलब 12 महीने में एक बार जरूर करें। जो मंगलवार का व्रत करते हैं उनके लिए तो विशेष तौर से ज़रूरी है। मुझे भी किसी विद्वान ने, पंडित ने, शास्त्री ने बताया था, तो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। इस प्रकार कन्याओं को जिमाने के बाद दक्षिणा दे के कन्याओं को विदा कीजिए। तो इस तरह से इस मंगलवार के व्रत का उद्यापन साल में एक बार ज़रूर करें।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चैनल SMS लोहा, आप सभी सब्सक्राइबर लाइक शेयर ज़रूर करें। कन्याओं को दक्षिणा देते हुए जी मानने के बाद, कन्याओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा देते हुए, दक्षिणा देके उसके बाद कन्याओं को विदा कीजिए। तो इस उद्यापन का साल में एक बार यह उद्यापन इस तरह से आप ज़रूर कीजिए। इससे हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज प्रसन्न होते हैं। इसमें अगर कोई त्रुटि गलती हो तो कृपया सुधार कर लेना। मेरे को जितना मालूम था उतना आपको शेयर किया। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।